हाँ, बस अगला साल इलेक्शन का साल है और खासकर अरपन सिंह में पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए उम्मीद है। और दूसरी जानब जो है वो एमकेएम की जानब से भी ये दावा किया जा रहा है कि वो माजी की तरह एक बार फिर अरपन सिंह की मकबूल जमात बनकर उभरेगी। इस पर हम बात करते हैं सुहेल जंबीर से। जी सुहेल, आप बताए कि आपके पास ऐसी क्या इतलात है कि पीपल्स पार्टी वर्सेज एमकेएम क्या देखते हैं आप इसमें? देखिये, मैं आपको बताऊँ की पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है और बहुत बोलते हैं सोच विचार के साथ तैयारी कर रही है। एमक्यूएम उसको बहुत हल्का ले रही है, लेकिन जिस तरह वो पीपल्स पार्टी अंदर घुस रही है उनके, उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि अब पीपल्स पार्टी ने अपनी तर्ज सियासत को तब्दील कर दिया है। पहले पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगता था कि उनके उनके पास सिर्फ सिंधी कॉम्परस या सिंधी जो बोलने वाले हमारे भाई है, सिर्फ उनकी जवाब है। लेकिन अभी कराची के लिए उन्होंने अपनी तर्ज सियासत को चेंज करके कराची का तमाम होल्ड उर्दू स्पीकिंग के हाथ में दे दिया है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो टोटल उर्दू स्पीकिंग इलाका समझा जाता है, यहां पर जो है उन्होंने पूरे का पूरा तंजीमी ढांचा तब्दील कर दिया। डॉक्टर आसिम को उनकी सरपरस्ती दी है, डॉक्टर मसरूर हसन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, इलेक्शन सेल का इंचार्ज उन्होंने बनाया है तौकीर को, जो साबका एमक्यूएम का रहनुमा है, पीटीआई में चला गया था, असद हनीफ जो होटल मालकान एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो है, जुबैर कुरैशी है, ख्वाजा सूर मंसूर है, जो एमक्यूएम के सारे लोग थे ना, सैफियार खान वगैरह, इन सबको लाके उन्होंने ओहदों पे बिठा दिया। अब क्या हो रहा है कि कराची में मुकाबला एमक्यूएम का एमक्यूएम के सी लोगों से होगा, उर्दू स्पीकिंग सामने, इधर भी सामने उर्दू स्पीकिंग होंगे, इधर भी सामने उर्दू स्पीकिंग होंगे। जो मुझे पता चली है बातें उसके हिसाब से ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कोई भी ऐसा शख्स पार्टी के ओहदे पर नहीं होगा जो नॉन उर्दू स्पीकिंग हो। मतलब मैं इसलिए ये उर्दू स्पीकिंग नॉन उर्दू स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कल्चर बना हुआ है कि हम अपनी कौमियतों को, अपने अपने लोगों को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो इस इन तीन जगहों के लिए खुसूसन जरदारी साहब ने स्पेशली इस पर काम पर जो है वो डॉक्टर आसिम को सौंपा है। तो उर्दू स्पीकिंग इलाकों में उर्दू स्पीकिंग कैंडिडेट आएंगे इनके, उर्दू स्पीकिंग ही तंजीमी लोग होंगे और उर्दू स्पीकिंग ही लोग उनसे वोट मांगेंगे। तो ये कराची की स्ट्रेटजी उन्होंने ये बनाई है। इसकी वाजे मिसाल आपको बताऊं कि मुजम्मिल कुरैशी है जो एमकेएम के साबका एमएन है और राबता कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं, उन्होंने हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। अब उनको कैंडिडेट बना रहे हैं गुलशन इकबाल का, वो गुलशन इकबाल के रिहायशी पैदाइशी है। गुलशन इकबाल में उनका अपना हल्का भी है, अपना हल्का अहबाब भी है और दूसरा पार्टी की सपोर्ट भी आ जाएगी। उनके इर्द गिर्द जितने लोग होंगे वो चाहे तंजीमी सतह के हो या कोई भी हो, सारे उर्दू स्पीकिंग होंगे। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इन्होंने ख्वाजा सूर मंसूर को नॉर्थ नाजमाबाद का एमएनए बनाया है, मतलब उनको रखा है। उनके इर्द गिर्द भी जितने लोग होंगे वो सारे उर्दू स्पीकिंग होंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वो लेकर आ रहे हैं फैजान रावत को एमएनए की सीट पर, फिर वो लेकर आ रहे हैं असद हनीफ को, ये भी उर्दू स्पीकिंग है, जुबैर कुरैशी को नाजमाबाद से लेकर आ रहे हैं, ये भी उर्दू स्पीकिंग है, इसी तरह ये लेकर जा रहे दो तीन और लोग हैं नाम इस तरह। तो टोटल इनकी कोशिश ये कि इस बार ये उर्दू स्पीकिंग से ही एमकेएम का मुकाबला कराएंगे और मेरे हिसाब से काफी अच्छी स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि इन्होंने मुर्तजा वहाब को लाके एक चैप्टर दिखाया कि हमने कराची का मेयर जो है वो उर्दू स्पीकिंग लगाया है। अब पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा और जो करने की जरूरत है ना, वो और जो निचली सतह के उर्दू स्पीकिंग है उनको भी गले लगाने की जरूरत है। अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी को यहाँ पर एंट्री डालनी है, सही से यहाँ पर सरवाइव करना है, कोशिश कर रहे हैं उनके तंजीमी लोग कि किसी तरह मामलात में अंदर दाखिल हो, आम उर्दू स्पीकिंग को अपने करीब किया जाए। एमकेएम इसका काउंटर कैसे करेगी, ये एमकेएम की स्ट्रेटजी होगी। लेकिन जो मुझे पता चला है एमकेएम की थोड़ी सी पॉलिसी इसमें मेरे ख्याल से गलत होगी कि वो चाह रहे हैं कि हम उनको धक्का देके भगाएंगे या इस तरह करेंगे। इस टाइम दिल जीतने का टाइम है, आप धक्का देके भगाएंगे तो जिसको आप धक्का देंगे वो सामने भी उर्दू स्पीकिंग ही होगा, उसकी माए बहने भी उर्दू स्पीकिंग होंगी। आप जिसको मारेंगे तो वो आपके खिलाफ नफरत बढ़ेगी। हाँ, अब आप उनसे कन्विंस करें, उनसे बात करें। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही थी कि जो मुजम्मिल कुरैशी है वो अपना कारोबार बचाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास गए। तो यार, आप अपना नैरेटिव तो खुद किल कर रहे हैं कि आप किसी का कारोबार भी नहीं बचवा सकते, तो फिर आपके पास लोग आएंगे क्यों? अच्छा, सिंधी और मुहाजर का फैक्टर यहाँ पर असरअंदाज होगा? कोशिश की जाएगी सिंधी महाजर कार्ड खेलने की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि अब सिंधी महाजर कार्ड नहीं चलने वाला, लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं।
और आप गुलिस्तान जौहर में चले जाए, आप सफूरा पर चले जाए, सिंधी महाजिर एक साथ होटलों में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो अब वो सिस्टम इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि हो भी नहीं कभी, क्योंकि यार बहुत इस शहर ने, बहुत इस सूबे ने जो है ना वो तबाही देख ली है। सिंधी महाजिर कार्ड अगर पीपल्स पार्टी भी इस्तेमाल करती है या एमकेएम भी इस्तेमाल करती है तो दोनों का इसको नुकसान होगा, क्योंकि अब पब्लिक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे वो अब लड़ाई झगड़ा नफरतें एक दूसरे के खिलाफ नफरतें जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर रहा कोई भी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इस दफा अरबन सिंध में मुकाबला से पीपल्स पार्टी और एमकेएम का हुआ, दो बड़े फैक्टर्स जो भी हमारे सामने हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी आपको, हाँ अब आपने बात की, पीपल्स पार्टी से तगड़ा मुकाबला नहीं होगा अरबन सिंध में। मुकाबला जो होगा वो दो जमातों से होगा, और खुसूसन एमकेएम पाकिस्तान का मुकाबला तो एमकेएम लंदन से होगा अगर उन्होंने बायकॉट नहीं किया। एमकेएम लंदन के बाद उनका मुकाबला पीटीआई से होगा। ये दो वो जमातें होंगी जो उनका वोट डिस्टर्ब करेंगी, और वोट खाएगी अगर कोई पार्टी उनका तो वो जमात इस्लामी होगी। अगर एमकेएम का जो वोटर है, जो एमकेएम से नाला है या जिस भी अंदाजे बोले, वो जमात इस्लामी की तरफ कन्वर्ट होगा। पीपल्स पार्टी फोर्थ कैटेगरी में आएगी। पीपल्स पार्टी को इतनी आसानी से कराची वाले वोट नहीं देंगे, क्योंकि इतनी कोई हाई फाई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और एक जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि कराची में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी उसको काउंटर भी नहीं कर सकी आज तक, तो इसमें थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब होगा। बाकी ज्यादा तक जो मुझे लगता है कि एमकेएम इस बार सीटें उठाने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा सुहेल, आपने शुरू में हमें इसकी अस्कप का ढांचा बताया, पीपल्स पार्टी का जो नया तंजीमी ढांचा बनने जा रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं खबरों की तरफ। इसमें क्या खबरें, क्या इतलात अब तक जो मार्केट में गर्दिश कर रही है, आपके पास ऐसी क्या अब तक खबरें? देखिए खबरें तो ये है कि अच्छी तरफ से बड़ी जगहों से एमकेएम को सिग्नल मिल चुका है। सही। और खबरें ये भी है कि पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी बोल रहे हैं कि एमकेएम को सिग्नल मिल चुका है, और आइंदा आने वाले महीनों में आपको पीपल्स पार्टी के ऊपर भी काम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये खबर है और इसको यही लॉक कर दें, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आइंदा मजीद मालूमात के साथ आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुहेल शब्बीर और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।